हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आम आम के अचार बनाने की विधि। तो आम का अचार तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से बनाते हैं। और हम किस तरह से बनाते हैं आम का अचार, आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आम बनाने की रेसिपी। इस तरह से अगर आप अचार बनाएंगे आम का, तो साल 2 साल तक रखे रहेंगे तब भी खराब नहीं होगा। तो सबसे पहले चलिए हम मसाले देख लेते हैं, हमने मसाले में क्या क्या लिया है अचार बनाने के लिए। यहाँ पे हमने सौंफ लिया है, धनिया ली है, जीरा लिया है, और ये है लाल मिर्ची। लाल मिर्ची मतलब हरी मिर्च थी, जिसको हमने सुखा के रखा था काफी दिन पहले, तो ये सूख गई है, तो यही हम इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपके पास ये वाली मिर्च नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। लहसुन लिया है, लहसुन को हमने छील लिया है, इसको दरदरा कूट लेंगे। और यहाँ पे हमने हींग ली है। उसके अलावा इसमें सरसों का तेल और नमक, हल्दी भी लगेगी, तो उसको हम मिलाते समय यूज करेंगे। सबसे पहले मसालों को हम भून लेते हैं और लहसुन को दरदरा कूट लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को बना के दिखाते हैं। पहले हम आपको आम दिखाते हैं। आम को हमने कट करके 7 से 8 घंटे के लिए इसको अच्छे से धूप में डाल लिया था, ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर है, मतलब पानी है, वो बिल्कुल ना रहे। आपके आम में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में हमने मसाले डाल दिया था, धनिया, सौंफ, जीरा और लाल मिर्च। लाल मिर्च हमने इसलिए भून लिया है क्योंकि लाल मिर्च में भी काफी ज्यादा नमी थी, इसलिए मसाले के साथ भी इसको भी भून लिया है। मसाले को भूनने के बाद इसको ठंडा होने देंगे, इसका एक दरदरा पाउडर तैयार कर लेंगे। पहले हम अचार बनाने के लिए 4 चम्मच विनेगर लेंगे। एप्पल साइडर विनेगर है, सेब का सिरका है। 4 से 5 चम्मच सेब का सिरका लेंगे और उसमें हम हींग डालेंगे। ये अचार हींग वाला बना रहे हैं, हींग इसमें काफी सारा हींग पड़ेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके पास सेब का सिरका नहीं है तो आप नॉर्मल सिरका ले सकती हैं, जो हर घर में यूज होता है, और गन्ने का सिरका जो होता है उसमें भी आप हींग डाल के अचार में डाल सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेब का सिरका था, तो हमने वही ले लिया है। सबसे पहले जो हमने हींग और सिरका का मिक्सचर तैयार किया था, उसको सबसे पहले उस डिब्बे में लगाएंगे जिसमें हमें अचार रखना है। आप भरनी में अचार रखती हैं तो उसमें भी लगा सकती हैं। तो सबसे पहले हींग और हींग को हम डिब्बे में अच्छे से लगा देते हैं चारों तरफ। और इस ये वाला अचार आपका 2 से 3 साल तक रखे रहेंगे तब भी खराब नहीं होगा। उसके बाद अब हम इसमें एक बाउल ले लेंगे, और बाउल में हम जो मसाला पीस के रखे हैं, मतलब दरदरा पाउडर तैयार किया है, उसको ऐड कर देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे बाउल में हमने जो मसाला तैयार किया था उसको ऐड कर दिया। उसके बाद जो हींग और सिरका मिक्स करके हमने रखा था उसको अचार में डाल दिया है। तो अच्छे से साफ करके कटोरी को हम उसमें हींग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी हींग ऐड हो चुकी है। उसके बाद हम इसमें दरदरा कुटा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा अचार थोड़ा सा था तो इसलिए हमने लहसुन भी थोड़ा सा ही लिया है। तो यहाँ पे लहसुन को हमने दरदरा कूट के इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे लहसुन और मसाले के साथ। यहाँ पे हम हल्दी ऐड कर देंगे 2 चम्मच, और आप चाहे तो हल्दी और नमक पहले भी आम के अचार में लगा के कुछ देर के लिए छोड़ सकती हैं, लेकिन सभी चीजों को हम एक साथ मिला के अचार में मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हल्दी और नमक भी ऐड कर दिया है। सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल सरसों का तेल, रूम टेम्परेचर पे जो सरसों का तेल होता है वही यूज किया है। तेल को हमने गुनगुना या गरम नहीं किया है। तो इसमें तेल को ऐड कर देंगे और हमारा मसाला आप देख सकते हैं अच्छे से तैयार हो चुका है। ये अचार बहुत ही कम टाइम में झटपट तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे जो आम को हमने धूप में डाल के रखा था, उसको कपड़े से अच्छे से पोंछ भी लिया था ताकि पानी इसमें बिल्कुल ना रहे, उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने 8 से 10 आम का अचार बना के आप लोगों के साथ शेयर किया है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आम जो हमने डाला था उसमें मसाले को अच्छे से लपेट देंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से आम को कोट कर देंगे मसाले के ऊपर। आप इसमें ज्यादा तेल ना डालें, नहीं तो होता क्या है, ज्यादा तेल डाल देने से आम का मसाला जो होता है एकदम से नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ पे जितना जरूरत है उतना ही तेल डालें। तो यहाँ पे हमारा अचार बन के तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल भी जो है धूप में
खराब नहीं होगा, आप इसे 2 से 3 साल तक रख सकते हैं। आप भरनी में रख दीजिए, उसके बाद इसको 2-3 से 4 दिन धूप में रख दीजिए ताकि धूप लगने से अच्छे से अचार गल जाए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह की नई वीडियो नई रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा है तो फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर भी शेयर कीजिएगा।